चैनल। आज का ब्लॉग हमारा शॉपिंग टूर है और आज मैं जा रही हूँ मार्केट शॉपिंग करने के लिए और देखते हैं क्या क्या शॉपिंग करती हूँ मैं। तो चलते हैं, निकलते हैं। मैं रेडी हो चुकी हूँ और मेरा बाल भी देखिए, हेयर स्टाइल खूब अच्छे से मेरी बहन ने बनाया है और काफी अच्छा लग रहा है मुझे। और मैं कैसी लग रही हूँ या मेरे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा नीचे। तो चलते हैं, फिर निकलते हैं मार्केट के लिए। मार्केट से निकल के अब आ गई हूँ मेन कटरा मार्केट में। अब मैं जा रही हूँ, राजीव कॉकरी वाले हैं मेन कटरा में, मैं उनके यहाँ कुछ सामान लेना है तो मैं उनकी शॉप पे जा रही हूँ। तो इनकी दो दुकानें हैं, एक तो मेन रोड पर है और एक अंदर गली में जाकर है जहाँ पर सारे कॉकरी के सामान मिलते हैं। तो मैं शॉप के अंदर आ गई हूँ। पुराना ही है और मैं हमेशा इन्हीं की शॉप से सारे बर्तन ले जाती हूँ, क्रॉकरी के सारे सामान यहीं से ले जाती हूँ मैं। और यहाँ पर हर तरह के वैरायटी के सामान मुझे मिल जाते हैं। ये भी मुझे काफी अच्छा लग रहा है, मैं इसको भी ले रही हूँ। आइसक्रीम के लिए काम आएगा सर्व करने के लिए, डिजर्ट।
कम ज्यादा भी कर सकते हैं। कम ज्यादा मतलब जैसे आटा आपको रखना हो तो ये आप कर सकते हैं, ये टाइट है लेकिन ये लॉक ऐसे खोल दीजिए, फिर उसके बाद ये अच्छा जितना आइटम आपको रखना हो उतना रख सकते हैं, पर ये है कि इस पे लॉक खोले है तो उसके बाद लॉक अगर बंद कर देंगे तो ये निकलेगा नहीं, फिर एयर टाइट लीक प्रूफ है। कम ज्यादा ऐसे रखना हो आप ऐसे लगाइए। ले जाती हूँ तो भैया बताएंगे, भैया अपनी दुकान के बारे में कुछ बताइए। हमारे यहाँ दुकान पर कटरा काली मंदिर की गली में है। हाँ, प्रयागराज। हाँ, और आप क्या 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 सामान मिलता है? सारे आपके क्रॉकरी के, फाइबर के, कांच के सारे आइटम आपको मिल जाएंगे, यूजरफुल चीजें। हाँ, सारे आपको ले सकते हैं आप। अच्छा, गिफ्ट के आइटम भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, सारे आइटम आपको मिल जाएंगे। इनकी दो दुकानें, एक आगे है और ये गली में अंदर जाकर है, और काफी अच्छी दुकान है, यहाँ पर हर तरह के सामान मिल जाते हैं। अगर कुछ नहीं मिल पा रहा तो आप इनको बोलिए, वो आपको लाकर देते हैं। मैं तो हमेशा इन्हीं के यहाँ से सामान ले जाती हूँ, जब से मैंने अपना कुकिंग का काम शुरू किया है मैं यहीं से सारे सामान ले जाती हूँ। थैंक यू भैया। ओके, थैंक यू, वेलकम।
सो गाइज, मैं मार्केट से आ गई हूँ और बहुत थक गई हूँ और मैंने बहुत ज्यादा सामान नहीं लिया है, बहुत कम सामान लिया है लेकिन और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी मैंने ये लिया है, ये मेरे बहुत काम का था। इसमें ऊपर से बर्फ भी जम जाएगी। अगर आप इसमें आइसक्रीम बनाना चाहें तो इसमें आप नीचे आइसक्रीम, ये बॉक्स बना हुआ है, इसमें आप आइसक्रीम बना सकते हैं। तो ये मेरे बहुत काम का था, इसको मैंने लिया यूनिक मार्केट से और ये टोटल सिर्फ है 129 रुपए का है, 129 रुपीज का है। ये मेरे बहुत काम का है, जो कि मेरे कुकिंग चैनल विनीता मौर्य अपनी रसोई है उसमें मेरे बहुत काम आएगा। तो ये मैंने लिया है और साथ में मैंने ये भी लिया है कुकिंग का सामान, ये ढेर सारे इसमें कच्चू हैं। मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ, इसको खोलना पड़ेगा लेकिन बहुत सारा अच्छा है, मेरे काम का है। ये देखिए, इसमें एक ये है और एक ये, बहुत काम का है मेरे, और ये और ये। ज्यादा प्राइस नहीं है इसका, ये मुझे बहुत कम दाम में मिल गया था, हमें मिला था मुझे ये 99 का है, ऑफर में था तो ये मुझे बहुत सही लगा, ये मैंने लिया है। और अब मैं आपको एक आइटम दिखा रही हूँ, और एक आइटम मैंने ये लिया है, ये अचार वगैरह रखने के काम आएगा। ये आप देखिए, ये भी बहुत काम का है मेरे, और ये बहुत कम, सिर्फ 150 रुपए का है और बहुत काम का था मेरे, इसको मैंने लिया है। और लिया है मैंने, दिखा रही हूँ, और मैंने ये लिए हैं, ये मैंने लिया है मिट्टी का है, इसको मैंने लिया है कुल्फी बनाने के लिए। इसमें गर्मियों का मौसम आ गया है तो आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा रहती है, तो इसके लिए मैंने लिया है। और ये बहुत सस्ता है, 5 रुपए का एक पीस है, तो मैंने 3 पीस लिए हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। और अब चाय में डालने के लिए मैंने थोड़ी सी अदरक भी ले ली थी, दिख गया था, और थोड़ी सी प्याज ले ली थी, और नींबू ले लिया था क्योंकि मुझे इसकी मॉर्निंग में जरूरत रहती है, तो नींबू खत्म था मेरे पास तो मैंने नींबू भी ले लिया है। और ये मैंने लिया है भुजिया बनाने का मोल्ड है, 2 मैंने लिया है, और ये मुझे सबसे अच्छा लगा था। इसमें यहाँ से भुजिया बनाओ और यहाँ से पीछे से निकाल लो, ये बड़ी काम की चीज है। अब होली आ रही है तो इसकी आवश्यकता मुझे रहेगी ही। और साथ में मैंने यहाँ पर ये चटनी के लिए 2 छोटे छोटे बाउल लिए हैं, बहुत ही प्यारे से हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये। और लिया है मैंने, तो अभी मैंने इतना आइटम लिया है। और मैंने यहाँ पर ये कूलर वाले कप ले रखे हैं, ये आप देखिए, ये भी मैंने अपने कुकिंग के काम के लिए हैं, ये भी मुझे बहुत सस्ते में मिल गया थे, ये मुझे मिला है पूरा 114 रुपए का, 114 रुपीज का ये। बस इतना ही लिया है मैंने, और क्या लिया था, और ये जीरोक्स करवाया था, ये जो कि मेरे सिस्टर का है, नोट्स हैं उनके, तो इसको मैंने जीरोक्स होने के लिए दिया। सो गाइस, आज का वीडियो इतना ही है, अगर वीडियो पसंद आया हो आज का तो वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही हमारे मेन कुकिंग चैनल विनीता मौर्य अपनी रसोई को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए पास ही में बने बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।